नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न लॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी की डेली 5 बजे जो पंचायती राज है उसके 5 बजे हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं डेली के डेली। इस सीरीज का नाम रखा है रट्टा मार। और अगर आपने ग्राम पंचायत अधिकारी की वीडियोज को नहीं देखा जो चैप्टर वाइज चलते हैं, तो आपको मैं आई बटन लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। सारी वीडियो उस पर पड़ चुकी है और उसी के वीडियो से अगर आप वीडियो देख लेते हैं या प्रैक्टिस सेट उसके बाद करेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा कि मैं आसानी से एग्जाम पास कर सकता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 8 को करते हैं। इसमें 41 से 60 क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चनों को हम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हुए हैं, उसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपने प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना और पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। हाँ जी ये बिल्कुल, ये भी सही है। जो सी है हमारा ऑप्शन, 1, 2, 3 तीनों सही है पहले 41वें प्रश्न का। अब देखते हैं हम 42वां प्रश्न क्या है हमारे सामने। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या उपयुक्त सभी। तो आप बताइए, अगर एक गांव में 18 प्लस ज्यादा लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो जहां भी जैसे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है? ग्राम सभा होता है जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है वो ग्राम सभा के पार्ट है, लेकिन ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत में जो प्रधान उप प्रधान पंचायत सदस्य चुने गए हैं वो ग्राम पंचायत के हिस्सा हैं, और ग्राम सभा के हिस्सा वो सभी हैं जो 18 प्लस हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो ग्राम सभा कहलाती है। पंचायत के सदस्यों को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंचायत सदस्यों को? सरपंच कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है या पंच कहा जाता है। तो जो पंचायत के हमारे सदस्य हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, उन्हें पंच भी कहा जाता है। चलिए अगले सब क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। क्या यह बिल्कुल सही है? आपको क्या लगता है? और दूसरा है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? बताइए। अब इसमें सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, इसको ध्यान देना है। मैंने ध्यान नहीं दिया, सत्य नहीं पूछ रहा, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कथन कोई सा भी गलत नहीं है। अब पहला कथन भी देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत होता है, उसके बाद उस ऊपर जो होता है जिला परिषद होता है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत में तो बिल्कुल सही पहला वाला भी है। और दूसरा वाले में क्या कह रहा है कि हर राज्य का अपना अलग पंचायत कानून हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें कोई सा भी असत्य कथन नहीं है। इसका आंसर होगा न तो 1 और न तो 2। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 45वें क्वेश्चन को। हमारा 45 क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो हाँ जी, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन जो असत्य पूछ रहा है इसमें भी, इसमें भी ये जो न तो 1 असत्य है न 2, दोनों जो कथन है दोनों के दोनों सही हैं। इसलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो कोई सा भी कथन असत्य नहीं है।
इसके बाद देखते हैं 46वां प्रश्न, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विधान परिषद और राज्यसभा। तो आपको मैंने बताया कि था त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश में, ग्राम पंचायत है, फिर क्षेत्र पंचायत है, उसके ऊपर जिला पंचायत, जिला परिषद है, ठीक है। तो दूसरा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ग्राम सभा के ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ग्राम सचिव जो होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है हर गांव के लिए। उसके बाद देखते हैं, वैसे ग्राम सचिव का परीक्षा होता है जो हम तैयारी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पहले आप सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद जो वहाँ का सरकार होता है, से मैक्सिमम डीएम होता है, जो डीपीआरओ होते हैं, वीडियो होते हैं, वही सचिवों की नियुक्ति करते हैं कौन कहाँ ड्यूटी करेगा। उसके बाद देखते हैं 48वां प्रश्न, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में, केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, विशेष अधिकार सूची में। तो आपको मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ कि आपने अगर आर्टिकल 40 देखा होगा तो जो है डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो जो पंचायती राज आर्टिकल 40 में है डीपीएसपी के, तो यह राज्य सूची का मामला है डीपीएसपी, तो पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है। 49वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, उपयुक्त सभी। तो आप इसमें सीधे सीधे बोल देंगे भैया इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन पंचायती राज पे मतलब प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन भी करता है, लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाता है और सामुदायिक विकास करने में मदद करता है। तो गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, हाँ जी बिल्कुल सही है। भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था, हाँ जी ये भी सही है। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक दान है, बिल्कुल सही, विकेंद्रीकरण से संप्रेक्ता को रोका जा सकता है। चार ऑप्शन है, तो गांधी जी का मत क्या था, बाकी तो सब सही है, लेकिन गांधी जी का क्या मत था विकेंद्रीकरण के बारे में, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, तो गांधी जी का ये मत था, बाकी सारा ऑप्शन सही है। लेकिन पूछा गया है गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन में क्या कारण था, तो जो ए ऑप्शन है यही कारण था। बात करते हैं 51 प्रश्न की, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था, मतलब राज्य सूची का विषय कब इसे घोषित किया गया था, तो अंग्रेजों के टाइम ही इसको राज्य सूची में, प्रांतीय सूची में डाल दिया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसी में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय में डाल दिया गया था। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, जब 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे या वीपी सिंह थे। तो आप कहेंगे जिस समय एलपीजी लागू हुआ इकोनॉमिक्स में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में, उसी के बाद 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। 53 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत संबंधित नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, क्या आपको क्या लगता है, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत से संबंधित है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, किसी पंचायत को भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, तो इसमें क्या संबंधित नहीं है, जो 74वां संविधान संशोधन है, ये 74वां संविधान संशोधन है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये नगर निगम से, नगर पालिका से रिलेटेड है, बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पंचायत से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले में, 54वां क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य बना है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश नहीं बन पाया है, पहला राज्य बना है बिहार। उत्तर प्रदेश में अभी 33.33% मतलब 100 कुर्सी में 33 कुर्सी महिलाएं करेंगी उसकी पूर्ति वाला हाल है, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं,
लेकिन बिहार ने 50% सीट महिलाओं को दे दिया है पंचायती चुनाव में। बात करते हैं 55वें प्रश्न की, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, झारखंड में, गोवा में। तो आपको बताना है इसमें बिहार ने सबसे पहले किया, उसके अलावा कई राज्यों ने किया है, लेकिन कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अभी तक 50% महिलाओं का आरक्षण लागू नहीं किया है? तो इन चारों में गोवा ने 50% लागू नहीं किया है, यहाँ भी 33% है। बाकी के आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक ने अपने अपने राज्यों में 50% सीटें महिलाओं के लिए बुक कर दी हैं। कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है? संथानम समिति, जी वी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंह समिति। इसमें से एक समिति ऐसी है जो कि पंचायत संबंधित नहीं है। जो संथानम समिति है ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है। यह समिति विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय से संबंधित है। जो विभागों में भ्रष्टाचार होता है उससे संबंधित है संथानम समिति। बाकी ये जो तीन समितियां जीवीके राव, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित समिति है। बात करते हैं 57वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सरकारी समिति, न्याय पंचायत। इसमें पूछ रहा है कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, तो सरकारी समिति जैसा पंचायती राज में कोई टर्म नहीं है, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत पंचायती राज संस्था है। बात करते हैं 58वें प्रश्न की, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालचारी, जो भारत के पहले गवर्नर थे, उसके बाद जी वी कृपलानी, बलवंत राय मेहता या अशोक मेहता ने। तो आपको बताना है सबसे पहले विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो आपका ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता। सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने 1957 में विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की थी सरकार से। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत व्यवस्था लागू हुआ था। बात करें 59वें प्रश्न की, ग्यारहवीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है, पेयजल, परिवार कल्याण, पुस्तकालय, अग्निशमन सेवाएं, तो कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे पेयजल तो ग्रामीण ग्रामीण का सबसे इम्पोर्टेंट है पेयजल, अभी अगले चैप्टर में भी हम देखेंगे पेयजल को। और परिवार कल्याण भी एकदम ग्रामीण विषय है, पुस्तकालय भी ग्रामीण विषय है, लेकिन अग्निशमन सेवाएं जो है ग्रामीण का विषय नहीं है, तो 11वीं अनुसूची में ये दर्ज नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? तो आप बताएंगे इसका आंसर, अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण किस राज्य में है? तो केवल और केवल आंध्र प्रदेश राज्य में है, जहाँ पर अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण पंचायत में दिया जा रहा है। आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना और उनसे सब्सक्राइब करवाना और बेल आइकन में जरूर दबाइएगा, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और वीडियो में कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ आपको भी पढ़ाता हूँ, आपको भी बताता हूँ, जैसे हमारी और आपकी बराबर तैयारी चल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।